हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं वर्षा और मैं बहुत वेलकम करती हूं आपका अर्बन बॉडी केयर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी हेल्दी खाने खा रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, जैसे आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू दे रही हूं। अगर आपने अभी तक मेरी सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज आप आई बटन पे जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सो आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है द वाव साइंस का हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम। ये मैंने purple.com से लिया है। इसका जो MRP है ये 699 rupees का है और इसमें हमें ये 30 ml मिलता है, बट मैंने इसको जो परचेस किया है सेल पे परचेस किया है, सो मुझे ये 599 rupees का purple से मिला था, 100 rupees ऑफ मिला था। सो ये जो फेस सीरम है गाइज, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि ये पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और किसी भी मिनरल ऑयल फ्री है। सो गाइज, सबसे पहले इसके पैकेजिंग की बात करते हैं तो इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ऐसी है जो नॉर्मल सी सारी पैकेजिंग आती है। ऊपर से कार्डबोर्ड है, अंदर इसमें एक बॉक्स है, वो आपको मैं खोल के बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड होता क्या है। सो हाइलुरोनिक एसिड वो होता है गाइज, जो अगर आपकी स्किन पैची है, ड्राई है, अगर आपको स्किन चाहिए बिल्कुल बेबी सॉफ्ट प्लमी स्किन चाहिए, सो वो जो काम करता है वो काम करता है हाइलुरोनिक एसिड। जितने भी बड़ी स्टार्स है जिनकी स्किन बिल्कुल यूथफुल लगती है बेबी सॉफ्ट, बिल्कुल स्किन जो लगती है बिल्कुल स्मूथ और फाइन सी लगती है, ये सारा जो कमाल होता है गाइज हाइलुरोनिक एसिड का होता है। हाइलुरोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एजिंग को साइंस को डिक्रीज करने में। यानी अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, जैसे आप 30+ हो गए हैं, तो आपको हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम, अगर आप कोई सीरम यूज करने का सोच रहे हैं तो आप हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है एक मॉइस्चर बाइंडिंग कंपाउंड होता है जो हमारे स्किन पे मॉइस्चर को बांध के रखता है, सो दैट हमारी स्किन बिल्कुल सपल लगती है। साथ ही साथ में ये हमारे स्किन को डीप हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है हमारे स्किन में कोलेजन के फॉर्मेशन को। सो इस सीरम ने क्लेम किया है इट हाइड्रेट्स एंड रिवाइव्स स्किन, एनहेंसेस कोलेजन एंड इलास्टीन, रेप्लिनिशेस लॉस्ट मॉइस्चर इन आवर स्किन, डिमिशेस रिंकल्स यानी रिंकल्स को खत्म करता है, हमारे फेस के बूस्ट, हमारे फेस पे स्किन के रिन्यूलेशन फॉर्मेशन को, नई स्किन नया सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ में इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारे स्किन के ल्यूमिनोसिटी को भी इंक्रीज करता है और साथ ही साथ में सपलनेस को इंक्रीज करता है। सो गाइज, ये सारी चीजें हैं जो इस सीरम ने क्लेम किया है कि वो ये सारी चीजें करता है। जैसे कि ये जो मेन चीजें हैं, ये हाइलुरोनिक एसिड का ही मेन फॉर्म है जो हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन पे जो चीजें करता है, द सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और इसको अप्लाई करने का सिंपल तरीका है कि आपको बिल्कुल इतने छोटे छोटे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डॉट्स लेने हैं और अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करके इसको डिसॉल्व कर देना है पूरे फेस पे और इसको छोड़ देना है। इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको मॉर्निंग में लगाइए फेस वॉश करने के बाद, और इसको आप मेकअप के पहले भी लगा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल सीरम लगाते हैं, देन आप मॉइस्चराइजर लगाइए, देन आप प्राइमर लगा सकते हैं, उसके बाद आप अपना मेकअप कर सकते हैं। इवन इसको आप अपने नाइट केयर स्किन में भी यूज कर सकते हैं। इसको रिसेंटली मैंने इसको यूज करते हुए मुझे 15 days हो गए हैं। मैंने इसको 15 दिन पहले ऑर्डर किया था और इसको मैं दिन में 2 बार यूज करती हूँ, एक बार नाइट में यूज करती हूँ और एक बार मॉर्निंग में यूज करती हूँ। तो चलिए अब हम इसके बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। ओके, सो बात करते हैं इस बॉटल की। तो ये बॉटल जो है कांच की बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पे एक आता है छोटा सा कैप, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये छोटा सा कैप है, इसको आप ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ से आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको ये पंप मिला हुआ है। सो दैट ये पंप मिला है तो इससे ये बिल्कुल ही सेफ है और यूज करना भी बहुत सिंपली, आप इसको अपने बिना हैंड पे निकाले सीधे फेस पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात सो मैंने इतना लिया है तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सीरम जैसी और स्किन में बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाता है। इसको यूज करते हुए मुझे 15 डेज हो गए हैं और इसका रिजल्ट मुझे पता चल रहा है, मेरी स्किन काफी ज्यादा सफल हो गई है और मुझे काफी सही लगने लगी है अब मेरी स्किन। तो चलिए बात करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड जो है फेस पे काम कैसे करता है। ये हमारे फेस पे गाइस जब आप इस सीरम को यूज करेंगे तो आपके एनवायरमेंट के आसपास जो भी मॉइस्चर होगा हाइलुरोनिक एसिड आपके फेस पे उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। इन द केस अगर आप बहुत ड्राई एरिया में रहते होंगे तो ये आपके स्किन से आपके मॉइस्चर को लेगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जब भी आप हाइलुरोनिक एसिड का यूज करेंगे, हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम का यूज करेंगे, आप थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिए, उससे भी इसका इफेक्ट और अच्छा आता है और आपके फेस पे इसका रिजल्ट और अच्छा आता है।
रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि इसको किस टाइप के स्किन के लोगों को लगाना चाहिए, तो सबसे पहले भी स्किन ड्राई है ये इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, और जो भी लोग 30+ हैं ये भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर यूज़ करें। हाँ, अगर बात करते हैं 18+ लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए, अगर उन्हें सप्पल स्किन की ज़रूरत है, अगर वो चाहती हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी आपके फेस पे कोई भी इसका नेगेटिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जस्ट इट इज़ मेनली फॉर द ग्रोइंग एज लोगों के लिए होता है, उनके रिंकल्स को कम करने के लिए होता है। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि 30+ के जो भी हैं वो इसे यूज़ करें, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और ये आपके फाइन लाइन्स को भी रिड्यूस करने में काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप इसका पूरा आधा बॉटल भी यूज़ कर लेंगे ना, तो आप आपके स्किन पे रिजल्ट बिल्कुल देख सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कौन सा हाइलुरोनिक एसिड लेना चाहिए, सो मुझे वाव का हाइलुरोनिक एसिड काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट परचेज है, इससे पहले मैंने कोई भी और हाइलुरोनिक एसिड नहीं परचेज किया है, बट मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विथ वाव इज़ वेरी गुड, सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं, सो येस, आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, इट वैल्यू फॉर द मनी है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन द केस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट मैं जो भी नई वीडियोज लाऊं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी हेल्दी खाने खाते रहिए, हेल्दी अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।